हमर रखवार कार्यक्रम के तहत चलित थाना का आयोजन किया। दो दिनों से सूरजपुर कोतवाली पुलिस के कर्मचारी गांव में रहकर ग्रामीणों के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जहां एडिशनल एसपी ने शिरकत कर ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पेड़ तक पहुंच रहे हैं थाने। सूरजपुर में अनूठा अभियान शुरू हो रहा है, समस्याओं का तुरंत निराकरण। एडिशनल एसपी मनीषा ठाकुर ने लगाया चलित थाना। हमर रखवार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों ने रखी अपनी बात। सूरजपुर पुलिस ने नामरगिरी गांव में हमर द्वार हमर रखवार कार्यक्रम के तहत चलित थाना का आयोजन किया, जहां दो दिनों से सूरजपुर कोतवाली पुलिस के कर्मचारी गांव में ही रहकर ग्रामीणों के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं चलित थाना आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू भी हुए, जहां एडिशनल एसपी ने शिरकत कर ग्रामीणों को दोस्त समझकर अपनी समस्याओं को अवगत करने की बात कही और ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बातों को लेकर आपसी विवाद होते हैं। पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होने पर कई मामले कार्यवाही में नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी घटनाओं से परेशान होकर पहले जिला मुख्यालय के चक्कर काट कर परेशान होते रहते हैं, फिर भी उनका निराकरण समय पर नहीं हो पाता है और इन कारणों से हत्या जैसे गंभीर अपराध भी घटित हो जाते हैं। ऐसे मामलों के तुरंत निराकरण के लिए जिले में चलित थाने का आयोजन किया जा रहा है, जिसका अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और ग्रामीणों को राहत भी मिल रही है। सरना न्यूज के लिए नौशाद की रिपोर्ट, सूरजपुर। इस बुलेटिन में इतना ही, जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। वरिष्ठ नेता संजय जोशी की होर्डिंग ने भाजपा की राजनीति में लाई गर्माहट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास के बाद शहर में लगाए गए होर्डिंग ने खड़ा किया बवाल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल दिल्ली के लिए अचानक हुए रवाना। पार्टी में अटकलों का बाजार गर्म। प्रदेश के गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाने पर सलवा जुडुम 2 का किया समर्थन। सलवा जुडुम की तर्ज पर अभियान चलाए जाने की तैयारी शुरू। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों में आत्महत्या के बढ़ रहे हैं मामले। जगदलपुर में तैनात जवान ने खुद को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। सूरजपुर पुलिस ने हमर रखवार कार्यक्रम के तहत चलित थाना का किया आयोजन। पुलिस वालों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर निराकरण का दिया आश्वासन। और छत्तीसगढ़ में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके।